नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आज प्रस्तुत है धूमिल की कविता मोचीराम, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की पांचवी इकाई हिंदी कविता में सम्मिलित है, साथ ही साथ हिंदी की अन्य कई परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मित्रों, सुदामा पांडे धूमिल, जिनका जन्म 9 नवंबर 1936 और मृत्यु 10 फरवरी 1975 को हुई, हिंदी कविता में इतनी बुलंद, इतनी निर्भीक, इतनी खनकदार आवाज कोई दूसरी नहीं। आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की जैसी जीवंत और खरी अभिव्यक्ति उन्होंने की, वैसे किसी ने नहीं की। जो पहले ऐसे कवि हैं जो आत्महीनता के खिलाफ कविता के द्वारा जरूरी हस्तक्षेप करते हैं। वे मानते हैं कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। इस लिहाज से मोचीराम, जो कि उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संग्रहित है और जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ, उनकी एक प्रतिनिधि रचना है, या यूं कहें कि उनका सर्वाधिक चर्चित व असरदार वक्तव्य है। इसके भीतर एक सजग समाजवेत्ता बैठा है जो महसूस करता है कि जीने के पीछे एक सार्थक उद्देश्य व तर्क तो होना ही चाहिए। धूमिल की कविता मोचीराम अपनी ठोस तथा स्वनिष्ठ संरचना, संवेदना और विचार से समन्वित भाषा, आक्रामक मुहावरों तथा निष्कर्षात्मक सामान्यकरणों के कारण श्रेष्ठ भी है और हिंदी कविता में अपना विशेष स्थान रखती है। कवि धूमिल की इस कविता का ताना बाना एक केंद्रीय चरित्र के आसपास बुना गया है। यह चरित्र अति साधारण है, किसी भी गली के नुक्कड़ पर मिल जाने वाला, लेकिन कविता का विशिष्ट शब्द प्रयोग, विशिष्ट पद विन्यास और विशिष्ट वाक्य विन्यास इतना सुगठित है कि इस केंद्रीय चरित्र की उपस्थिति को अनिवार्य भी बना देता है तथा सार्थक भी। पाठक के समक्ष कवि नहीं रहता, केवल मोचीराम रहता है और मोचीराम नायक के गुण ग्रहण कर लेता है। कविता की ठोस, आक्रामक और अखड़ भाषा को नाटकीय कौशल के साथ तीखे व्यंग्य में संगठित किया गया है। कविता में चुस्त फिक्रेबाजी और सटीक मुहावरों की भी कमी नहीं है। सामान्यकृत निष्कर्ष कविता में अलग से चमकते हुए भी कविता की स्वनिष्ठता को भंग नहीं करते। इसका कारण है कविता की संबोधन शैली और केंद्रीय चरित्र मोतीराम के वस्तु जगत का काव्यात्मक प्रयोग। मोचीराम के वस्तु जगत से जुड़ी शब्दावली और मुहावरों के प्रयोग के द्वारा आम आदमी के वर्गगत संकीर्ण व्यवहार का जो वर्णन किया गया है, वह भाषा, तथ्य, संवाद और कुछ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग के सहारे तीखा और आक्रामक व्यंग्य बन जाता है। मित्रों, कविता के आरंभ में ही मोचीराम का सहज बेबाक संबोधन, अखड़ व अनुभव पगी भाषा मोचीराम के चरित्र तथा उसके माध्यम से मानव के सामान्यकृत चरित्र को उजागर करना शुरू कर देता है। तो आइए मित्रों, चलते हैं सुदामा पांडे धूमिल की कविता मोचीराम की ओर। रांपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। मित्रों, इन पहली पंक्तियों में जो तुकबंदी मिलती है वह अर्थ की आंतरिक लय के कारण सायास अथवा कृत्रिम नहीं लगती। मोचीराम की आंखें बाबूजी को क्षण भर टटोलती हैं, सहज मुहावरा है। वह यह निश्चय करना चाहता है कि उसके कहे का क्या इस पर कोई प्रभाव होगा या नहीं। फिर वह पतियाए हुए स्वर में अपनी बात शुरू करता है। यहाँ पतियाया का प्रयोग मोचीराम के निजी अनुभव और काव्य भाषा के अंतर को कम कर देता है। मोचीराम अपने फिक्रेबाजी के द्वारा अपने वक्तव्य को शुरू करते हुए बाबूजी को यह बताना आवश्यक समझता है कि उसके लिए आदमी मात्र एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। यहाँ कवि मनुष्य की सामान्यकृत पहचान बनाता है, लेकिन साथ ही साथ व्यंग्यार्थ द्वारा यह भी उद्घाटित करता है कि किसी भी पेशे से जुड़े हुए हर आदमी के लिए मनुष्य मात्र की पहचान उसके अपने वस्तु जगत के अनुभव के आधार पर ही होती है, उसके बाहर नहीं। मोचीराम आदमी को उसके जूते से पहचानता है। आदमी की एक सामाजिक, आर्थिक और चारित्रिक पहचान का माध्यम उसके पास वही है, एक जोड़ी जूता जो उसके सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कविता में मोचीराम का यह संवाद सपाट होते हुए भी अनुभव युक्त भाषा का परिचय देता है। इसकी झलक पूरी कविता में मिलती है कि मोचीराम अपने अनुभव व संवेदनाओं को विचार के स्तर पर कविता में उतारता है। अगली पंक्तियों में अपने सामान्यकृत वक्तव्य की ओर व्याख्यान करते हुए कवि कहता है, और असल में बात तो यह है कि वह चाहे जो है
जैसा है जहाँ कहीं भी है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। मित्रों यहाँ भी मोचीराम का अनुभव उसके दृढ़ आत्मविश्वास को निश्चयात्मक भाषिक स्वरूप प्रदान करता है। कोई आदमी जहाँ जैसा भी है उसी अनुभवी आंखों से बच नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने आ जाने के बाद वह जूते की नाप से बाहर नहीं है। यह मुहावरा स्पष्ट है कि मोचीराम के पास आदमी की पहचान के लिए उसका जूता एक मानदंड के रूप में है। यह जूते ही आदमी को मापने का एकमात्र और सर्वोचित पैमाना उसके पास है। वह आदमी ही नहीं पहचानता, आदमी की पीड़ा, उसके दर्द और संवेदनाओं को भी जूते के पैमाने से नाप लेता है, इसलिए वह आदमी के प्रति संवेदनशील भी हो जाता है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। इस एक अदद आदमी से मोचीराम की संवेदना जुड़ी हुई है। मोचीराम एक अदद आदमी के हृदय में झांकता है, उसकी पीड़ा को अनुभव करता है, तभी तो वह सह अनुभूति द्वारा यह जान पाता है कि जो टांके वह जूते पर लगाता है वह वस्तुतः उस आदमी के हृदय पर चुभते हैं, तथा जूते पर पड़ने वाली हथौड़े की चोट उस आदमी की छाती पर प्रहार करती है। अभिप्राय यह है कि जूते की अधिकाधिक मरम्मत के साथ साथ आदमी की पीड़ा बढ़ती जाती है, तथा अपनी बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति की चोट का दर्द भी बढ़ता जाता है। मोचीराम भी इसे अनुभव करता है। अपने पेशे से जुड़े रहकर भी मोचीराम की आदमी से पहचान इतनी गहरी हो गई है कि वह जूतों की शक्ल और उनके नमूने से और उनकी अवस्था से ही आदमी की पहचान बना लेता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। इसी प्रकार के सीधे साधे सहज सपाट कथनों द्वारा तथा सामान्य भाषा द्वारा कविता सशक्त अभिव्यंजना में सफल हो गई है। उक्त पंक्तियों की बनावट बिल्कुल साधारण और गद्यात्मक सी लगती है, अर्थ की दृष्टि से अभिधात्मक होते हुए भी मोचीराम के अभिप्राय को व्यापकता प्रदान करती है कि आदमी की पहचान उसके व्यवहार से तो होती ही है, उसके पहरावे से भी हो जाती है। अनुभव से पगी हुई दृष्टि आदमी के किसी भी एक पक्ष को देखकर उसके पूरे व्यक्तित्व को पहचानने में सक्षम हो सकती है। यही ध्वनि मोचीराम के वक्तव्य में से निकलती है। आदमी का जूता भी उसके पहनावे का महत्वपूर्ण अंग है, जो उसके व्यक्तित्व का उद्घाटन कर सकता है। अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिए मोचीराम उदाहरण भी देता है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खम्भे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। मोचीराम का प्रत्येक वक्तव्य, प्रत्येक उदाहरण जूते से ही आरंभ होता है। उसके अनुभव जगत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह जूता ही है। यही कारण है कि जब वह आदमी की अलग अलग नवयत बताने के लिए उदाहरण देता है, तो भी जो बात आदमी से शुरू होनी चाहिए थी वह उसके द्वारा पहने गए एक जोड़ी जूते से शुरू होती है। मोचीराम यह भी नहीं कहता कि इस एक जोड़ी जूते को एक आदमी ने पहन रखा है, बल्कि कहता है कि इसे एक चेहरा पहनता है, क्योंकि मोचीराम की दृष्टि जूते से उठकर सीधे चेहरे पर जाकर टिकती है। वह पाता है कि जूते की तथा चेहरे की अवस्था में कोई अंतर नहीं है। चेहरे पर चेचक के दाग हैं तो जूते पर चकत्तियां हैं। जूता और चेहरा दोनों बड़ी खराब हालत में हैं। अतः जूता और चेहरा ही उस आदमी की अवस्था के पर्याय बन जाते हैं। चेहरे की अवस्था के लिए मोचीराम का यह कहना कि इसे चेचक ने चुग लिया है अत्यंत सार्थक है। उस आदमी का समस्त सुख, सौंदर्य व उल्लास मानो दुर्भाग्य के पंक्षी ने एक एक कण करके चुग लिया है। अतः यह चेहरा उस आदमी की ठीक ठीक अवस्था का परिचय उसी प्रकार देता है जैसे उस आदमी का जूता। मोचीराम की अनुभवी आंखें उस आदमी की बाहरी अवस्था को ही नहीं देखती, उसके अंतर्मन में भी झांक लेती हैं। इसका परिचय एक बिंब के द्वारा मिलता है। चेहरे पर हंसी है लेकिन उम्मीद को तरह देती हुई। वह आदमी उम्मीद के सहारे पर जी तो रहा है लेकिन वह भी फड़फड़ा रही है, जो किसी भी समय हवा के तेज झोंके से फटकर गिर जाएगी। आदमी का चेहरा ही नहीं, जीवन भी टेलीफोन के खंभे की तरह खोखला हो चुका है। मोचीराम देखता है कि जूते की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मरम्मत के बाद भी टिक नहीं सकेगा। यह मोचीराम के शब्दों से स्पष्ट है जब वह कहता है कि बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। लेकिन मोचीराम ने उस जूते को पहनने वाले का चेहरा भी तो देखा है। वह आदमी नया जूता नहीं खरीद सकता,
इसलिए मोतीराम की आवाज कहने से पहले ही लड़खड़ा जाती है और उसके हृदय से आवाज आती है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। इन पंक्तियों में व्यंजना द्वारा मोतीराम यह बता रहा है कि मैं भी तो उसी जाति का हूँ, आर्थिक दृष्टि से उसी वर्ग का जो अभावों में जीने को विवश है, जिसके लिए जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर पाना केवल उम्मीद को तरह देना है। मोतीराम सह अनुभूति के कारण उस आदमी से आत्मीयता स्थापित कर लेता है, तभी तो स्वयं को धिक्कारता है कि कैसे आदमी हो, सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने ही जैसे आदमी का अपमान कर रहे हो, अपनी जाति पर थूकते हो का मुहावरेदार प्रयोग मोतीराम की अपनी स्थिति को भी उजागर करता है। इस अनुभूति के बाद मोतीराम क्या करता है, इसका वर्णन अपनी ही शैली में करता है। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टांगता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। मोतीराम यकीन दिलवाना चाहता है, अर्थात काम तो बड़ा कठिन था फिर भी उसने किया, इसीलिए उसे बल देकर कहना पड़ता है कि यकीन करें मैं चकतियों की जगह आंखें टांगता हूँ। वह जूता जो जगह जगह से फट गया है मोतीराम की उस आदमी के प्रति आत्मीय संवेदना का माध्यम बन जाता है। मोतीराम चकतियां नहीं आंखें टांगता है, भरपूर श्रम से वह अपनी सारी संवेदना जूतों में टांग देता है। यह प्रयत्न करता है कि यह जूता उस आदमी का अधिकाधिक साथ दे सके और इस प्रकार पेशे से जुड़े हुए उस आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता है। यह उक्ति एक व्यापक अर्थ सृष्टि करती है, मानो मोतीराम उस आदमी का पूरा सम्मान करते हुए तथा उसे बिना यह आभास दिलाए कि उसके जूते की हालत कितनी खस्ता है, वह अपने पेशे से जुड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभा पाता है, संतुष्ट कर पाता है। अब दूसरा उदाहरण देखें। एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को, न वह अकलमंद है न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है हाथ में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है, इससे बांधो उससे काटो हियां ठोको वहां पीटो घिस्सा दो ऐसा चमकाओ जूते को ऐना बनाओ, उफ बड़ी गर्मी है रूमाल से हवा करता है मौसम के नाम पर बिसूरता है सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है, शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। यहाँ मोतीराम की वक्तृत्व शैली विस्तृत वर्णन भी करने लगती है। इस दूसरे जूते और उसमें से नांग कर पैर निकालने वाले आदमी के प्रति उसका भाव थोड़ा तीखा और कटु हो जाता है। नांग कर जैसे ठेठ शब्द का प्रयोग व्यंजना द्वारा स्पष्ट करता है कि जहाँ पहला चकतियों वाला जूता आदमी की विवश आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है, वहीं यह दूसरा जूता पहनने वाले आदमी की आर्थिक निश्चिंतता और आराम परस्ती का परिचय देता है। एक आदमी के लिए यह जूता जीवन की अनिवार्यता है, दूसरे आदमी के लिए वही आराम तथा दिखावे का साधन है। दूसरे जूते को पहनने वाले इस आदमी को मोतीराम अपनी अनुभव युक्त बुद्धि से पहचान गया है कि वह आदमी न अकलमंद है न वक्त का पाबंद है। मानव चरित्र के ये दो पक्ष परस्पर आश्रित हों। आराम परस्ती में रहने वाला यह आदमी समय का मूल्य नहीं पहचानता, तभी तो उसे अकलमंद नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व यह आदमी कर रहा है वह संपूर्ण वर्ग स्वयं को मोतीराम के वर्ग से श्रेष्ठ समझता है, लेकिन मोतीराम पहचानता है कि वास्तव में वह आदमी मोतीराम की अनुभव युक्त बुद्धि के मुकाबले बिल्कुल भी अकलमंद नहीं है, ना ही उस आदमी की संवेदना उचित दिशा में उमड़ सकती है। मध्यवर्गीय संस्कारों से युक्त वह आदमी आंखों में लालच लिए हुए है, अर्थात वह बहुत से ऐसो आराम बिना श्रम के पाने की होड़ में लगा हुआ है। उसने घड़ी फैशन के लिए लगा रखी है क्योंकि उसे वक्त का पाबंद रहने की आदत नहीं है, इसीलिए घड़ी में समय देखना भी आवश्यक नहीं है। जिस आदमी के पास अभावों में जीते हुए समय का भी अभाव रहता है वह आवश्यकता होते हुए भी हाथ पर घड़ी नहीं बांध सकता, लेकिन यह आदमी जो निर्देश्य समय बिता रहा है, जिसे कहीं नहीं जाना है, अपने हाथों में घड़ी सजाए हुए है। घड़ी की तरह तुक हड़बड़ी से मिलाकर कवि ने यहाँ सार्थक व्यंग्य की उपलब्धि की है। यह हड़बड़ी या बेचैनी निरुद्देश्य सैर करते हुए आदमी की है जो निर्णय नहीं कर पाता कि इतने खाली समय का क्या करे। मोतीराम
उस आदमी के चेहरे पर इतना कुछ पढ़ लेने के बाद अनुमान लगाता है कि वह कोई बनिया या बिसाती है, अर्थात व्यापारी है, पेशे से ही नहीं चरित्र से भी। उसके हाव भाव इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है, उसके मध्यवर्गीय संस्कारों की गवाही है। मध्यवर्गीय संस्कारों से युक्त आदमी मोचीराम जैसी आर्थिक स्थिति में रहने वालों व हाथ का श्रम करने वालों के प्रति एक उपेक्षा भरी हीनता का दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तथा अपने तथाकथित उच्च सभ्य संस्कारों का रोब इस प्रकार डालते हैं, जैसे यह आदमी कहता है कि इसे बांधो, उसे काटो, किया ठोको, वहां पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। कविता में इस प्रकार के संवाद काव्य भाषा की सशक्तता के प्रमाण है, क्योंकि ये संवाद केवल सूचना ही नहीं दे रहे अपितु वक्ता के चरित्र को भी उघाड़ रहे हैं। मोचीराम का बातूनीपन स्थिति को गहराई से जांचने की सामर्थ्य के साथ व्यंग्य के प्रयोजन से यह नकल उतारने की शैली कविता की संरचना को रोचकता प्रदान करती है। मोचीराम द्वारा उस आदमी का विश्लेषण यही समाप्त नहीं हो जाता। संभवतः मोचीराम की इस वर्ग के आदमियों के प्रति उभरती हुई खीज और चिढ़ ही इसका कारण है। इस आदमी के पास कुछ नहीं करने के लिए भी बहुत समय है। यह व्यंजित होता है अगली पंक्तियों से कि उफ कितनी गर्मी है, रूमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है। कवि के कुछ शब्द और मुहावरे प्रयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिसूरना का प्रयोग व्यंग्य की तेज धार का काम करता है। मौसम जैसी प्राकृतिक घटना के बारे में जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं है, बिसूरना उसी प्रकार निरर्थक और निरुद्देश्य है जिस प्रकार उस आदमी का व्यवहार व दिनचर्या। इसी प्रकार सड़क पर आतियों जातियों को बांध की तरह घूरना भी निरुद्देश्यता से युक्त चरित्र को उद्घाटित करता है। इस आदमी तथा उसके वर्ग का असली चरित्र तब उद्घाटित होता है जब वह आदमी घंटा भर खटवाने के बाद नामा देते वक्त साफ नट जाता है और ठीक हिटलर के नाती का सा रौब जमाते हुए मोचीराम पर गुर्राता है कि तुम शरीफों को लूटते हो। उस आदमी का यह आरोप कविता में उलटकर उसी पर व्यंग्यात्मक चोट करता है। वह आदमी जो मोचीराम की अनुभवी नजरों में एक लालची और चालाक बनिया है, जिसके पास बाहरी दिखावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, स्वयं को शरीफ कह रहा है, जो मोचीराम जैसे चालाक व्यक्ति के हाथों लुट रहा है। यहाँ मोचीराम का नाटकीय भाव अथवा विशिष्ट शब्द वाक्य विन्यास उस आदमी पर तीखा व्यंग्य कर रहा है। वह आदमी कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाने में भीख देने जैसा भाव है। मोचीराम की व्यथा भी यही है कि उसके श्रम का मूल्य चुकाने के नाम पर इस प्रकार के आदमी एहसान करके भीख देते हैं। वे लोग श्रम का मूल्य नहीं जानते, क्योंकि स्वयं बिना श्रम के संपन्न बन जाते हैं। अचानक चिहुक कर सड़क से उछल कर पटरी पर चढ़ता है, मानो उसे मोचीराम से छुटकारा पाने की भी उतनी ही जल्दी हो जितनी कहीं जाने की। दृष्टव्य है कि जहाँ पहले जूते को पहनने वाले आदमी से मोचीराम का संवेदनात्मक संबंध जुड़ जाता है, वहीं दूसरे जूते को पहनने वाले व्यक्ति के प्रति मोचीराम की प्रतिक्रिया बड़ी तीखी और कटु हो जाती है। पहले आदमी को वह बड़ी सहानुभूति और आत्मीयता से निभाता है, लेकिन दूसरे को मजबूरी से निभाता है, क्योंकि दूसरे आदमी का व्यवहार उसके पेशे पर ही नहीं हृदय पर भी चोट करता है। मोचीराम चोट की अनुभूति को इन शब्दों में व्यक्त करता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है और मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। पेशे पर चोट पड़ने का मुहावरा मोचीराम के पूरे वर्ग की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। श्रम का उचित मूल्य मिलने की अपेक्षा जब उपेक्षा भाव से भीख मिलेगी तो व्यथा के साथ साथ कटुता भी हृदय में उभरेगी। जिस प्रकार जूते में कहीं दबी हुई चोर कील मौका पाकर उभर आए और अंगुली में पड़ जाए, उसी प्रकार पेशे पर पड़ी चोट से व्यथा की दबी हुई कील उभर आती है तथा हृदय में कसकती है। मोचीराम को इतने प्रकार के व्यक्तियों से रोज निभाना पड़ता है कि वह भिन्न प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करके अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। वह जूते और पेशे के बीच आए उस अदद आदमी को भी अपनी कुशल बुद्धि व अनुभवी आंखों से पहचान लेता है, जो संवेदनशील है और इसीलिए आदमी कहलाने के लायक है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है,
जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। मोचीराम का व्यावहारिक अनुभव उसे अत्यधिक अनुभवी तथा विचारशील तो बनाता ही है, दार्शनिक भी बना देता है। वह बौद्धिक तर्कों के द्वारा जीवन की व्याख्या करने लगता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोज कमाने में कोई फर्क नहीं है। वह मोचीराम जिसकी मध्यवर्गीय संस्कारों से जुड़ा आदमी भरपूर उपेक्षा करता है, कितनी तर्कपूर्ण और व्यावहारिक बात करता है। यदि जिंदा रहने के पीछे कोई निश्चित व ईमानदार उद्देश्य नहीं है तो आदमी केवल स्वार्थ पूर्ति और पैसा कमाने के लिए जिंदा रहेगा। ऐसा आदमी पैसा कमाने का कैसा भी साधन क्यों न चुने, चाहे धर्म की आड़ लेकर पैसा कमाए, चाहे रंडियों को बेचने जैसा अनैतिक साधन अपनाए, इससे उसका उद्देश्य कि मात्र पैसा कमाना है नहीं बदलेगा। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उससे काटती है, मौसम सताता है। अर्थात पेशा चाहे कोई भी हो, जिंदा रहने का सही तर्क ही आदमी के आदमी होने की गवाही है। वह आदमी ही भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बनता है। भाव यह है कि विशाल मानव समाज का अभिन्न अंग बनने के लिए पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं, जिंदा रहने का सही तर्क सत उद्देश्य ही एकमात्र साधन है। पेशे से अलग सभी आदमी अन्य सभी आदमियों की ही तरह संवेदना और विचार युक्त प्राणी होते हैं। भाषा और मौसम अर्थात सामाजिक और प्राकृतिक तत्व उन पर एक जैसा प्रभाव डालते हैं। इसका मोचीराम को निजी अनुभव भी है। वह मौसम को अपने वस्तु जगत के माध्यम से आंकता हुआ कहता है कि अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को दांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सीजने के लिए लटकाता है। बसंत का यह बिंब मोचीराम के वस्तु जगत का सार्थक उपयोग करता है। बसंत के दिन का सुहावनापन दांत की तरह खिंचा रहता है। पेड़ों पर आए नए नए लाल लाल पत्तों को देखकर मोचीराम को ऐसा लगता है मानो जूतों के बीच लगने वाले लाल लाल तल्ले उसी की तरह बसंत ने भी धूप में सूखने के लिए डाल दिए हैं। अपनी संवेदनाओं के कारण मोचीराम भी अपने पेशे से हटकर भीड़ का एक टमकता हुआ हिस्सा है। इसीलिए बसंत के सुहावने मौसम का आकर्षण उसे भी प्रभावित करता है। उसका मन भी इस मौसम के सौंदर्य में खो जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। वह भी अपने पेशे से कुछ क्षण चुरा कर आनंद विभोर होना चाहता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की सराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है। स्पष्ट है कि बड़बोले और अति बातोनी मोचीराम की संवेदना भी सबकी तरह मौसम भाषा आदमी से जुड़ी हुई है। हृदय का उल्लास, मौसम से आत्मीयता स्थापित करने की उत्सुकता पेशे में अभ्यस्त उसके हाथों को टगमगा देती है, उसकी आंखों को बसंत की ओर खींचती है। अपनी ही उमंगों के विरुद्ध मन को समझा पाना मोचीराम के लिए कठिन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे शरारत करते बच्चे को रोका जाए तो वह झुंझला कर वही शरारत फिर करना चाहता है। मोचीराम को लगता है कि उसके जीवन में केवल उसका पेशा ही नहीं है, उस पेशे के अतिरिक्त भावनाओं का एक पूरा जंगल छिपा हुआ है जो उसे समय समय पर झकझोरता है, पेशे में लगे उसके मन को इधर उधर खींचता है। यह बात चौंकने की नहीं है, सोचने की है कि आदमी केवल मात्र पेशा ही नहीं, उससे बाहर भी है। अतः मोचीराम केवल मोची ही नहीं, एक अनुभवी बौद्धिक और विचारशील आदमी भी है। वह मानव मात्र की सामान्यकृत प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकता है, आदमी को संवेदना द्वारा पहचान सकता है, अपने वर्ग के बारे में तथाकथित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के सामान्यकृत निष्कर्ष को समझकर खींच उठता है। वे लोग मोचीराम का वर्गीय विश्लेषण करते हैं, अपने अनुभवहीन किताबी ज्ञान से यह समझ नहीं पाते कि मोचीराम के पेशे से जुड़ा हुआ आदमी भी विचारशील और संवेदनशील हो सकता है। वे मोचीराम की बातें सुनकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यार तू मोची नहीं शायर है। इस टिप्पणी से मोचीराम खींच उठता है और कहता है कि मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। मोचीराम का
यह तीक्ष्ण अनुभव युक्त वक्तव्य कविता में एक गहन अर्थ की सृष्टि करता है। कवि ने एक विशिष्ट श्रमिक चरित्र को अपनी कविता का नायक बनाया है तथा उसके वस्तु जगत को प्रतीक रूप में उपस्थित करके व्यापक मानव जगत के चरित्र का उद्घाटन विश्लेषण किया है। यह कवि कर्म की उल्लेखनीय उपलब्धि है। भाषा और अनुभव पर किसी वर्ग या जाति विशेष का अधिकार नहीं होता। अपने पेशे के सीमित संसार में रहते हुए भी मनुष्य मात्र की संवेदना उसे भाषा और जीवन अनुभव का व्यापक संसार उपलब्ध करवा देती है। इसी प्रकार के व्यापक अनुभव के आधार पर मोचीराम उस आदमी के बारे में जो उससे कहता है कि यार तू मोची नहीं शायर है, अपना विचार प्रस्तुत करता है कि असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं इस जाति का अधिकार है। इसी के साथ समर्थ भाषा द्वारा अर्थ की नवीन तहें खोलते हुए इस सच्चाई को भी उजागर करता है कि भाषा और संवेदना जाति की नहीं आदमी की पहचान स्थापित करती है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। मानवीय संवेदना और पीड़ा की आग सबको प्रभावित करती है। जीवन के सही तर्क की सच्चाई भी सबकी संवेदना का अंग बनती है, लेकिन सब आदमी उसे न एक जैसा अनुभव कर पाते हैं और न एक जैसा अभिव्यक्त कर पाते हैं। मोचीराम इसका कारण भी बताता है कि कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। इन शब्दों द्वारा मोचीराम कवि कर्म की सच्चाई का उद्घाटन करता है कि कवि कर्म किसी जाति का अधिकार नहीं है। कुछ हैं जो संवेदना की आग को अनुभव ही नहीं करते, उसे उचित शब्दों द्वारा अभिव्यक्त भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अनुभव करके भी मूक रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उचित शब्द नहीं मिल पाते। अंधे के सम्मुख पसरी थाली की तरह उनके लिए शब्द अनदेखे रह जाते हैं। कवि कर्म की सच्चाई का उद्घाटन करते हुए भी कवि इस बात पर जोर देता है कि यह कवि कर्म नहीं बल्कि जीवन की एक ऐसी आग है जिसका अनुभव सभी करते हैं, लेकिन कुछ इसलिए अभिव्यक्त नहीं कर पाते क्योंकि वे पेट की आग से डरते हैं। अभावपूर्ण जीवन बिताते हुए इस भय से अपने अनुभवों को शब्द नहीं दे पाते कि कहीं सच्चाई उद्घाटित हो जाने से उनकी रोटी न छिन जाए। इसीलिए अन्यों द्वारा किए गए अन्याय को भी शब्दहीन होकर सह लेते हैं। मोचीराम बताता है कि जो चुप हैं वे विवश अवश्य हैं, लेकिन उनकी चुप्पी के पीछे बुद्धि या अनुभव की कमी नहीं बल्कि एक समझदारी काम कर रही है। मोचीराम कहता है, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है, भविष्य गणने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। मोचीराम के बातूनीपन की तान अपने वस्तुगत मानवीय स्थिति की पहचान से होती हुई जीवन के उस मार्मिक सच्चाई पर जाकर टूटती है जिसे हर व्यक्ति सही शब्दों में अभिव्यक्त तो नहीं कर पाता लेकिन अनुभव अवश्य करता है। इस सच्चाई को अनुभव करके कोई शब्द मिल जाने पर चीख पड़े अथवा शब्द न निकल पाने पर चुप्पी धारण कर ले, मोचीराम अनुभव करता है कि इससे मानवीय स्थिति में कोई अंतर नहीं आना। मानव का भविष्य उसी तान पर गढ़ा जाता है जिस तान पर उसका आज तक का जीवन चल रहा है। चीखने से अथवा चुप रह जाने से उसके जीवन की गति में कोई अंतर नहीं आएगा। क्या यहाँ मोचीराम यह नहीं कहना चाहता कि मैं अपने बड़बोलेपन का लाभ उठाकर वह सब कुछ उगल देता हूँ जो अनुभव करता हूँ, और एक वह है जो चप्पलों से भरे जूते पहनता है फिर भी शिकायत के शब्द नहीं निकालता। इतना होने पर भी मोचीराम को भी वही उपेक्षा मिलती है जो उस आदमी को, एक की आक्रामक अभिव्यक्ति और दूसरे की समझदार चुप। जीवन की सच्चाई के लिए दोनों का अर्थ एक ही है। कविता में आए बिंब मौलिक और व्यंग्यात्मक हैं। बसंत का बिंब अत्यंत प्रभावशाली है जो हिंदी काव्य जगत में बिंब विधान के क्षेत्र में मोचीराम के वस्तु जगत के सार्थक उपयोग द्वारा नवीन संभावनाओं को भी उजागर करता है। देखा जाए तो कविता में केवल एक दीर्घ वक्तव्य है मोचीराम के द्वारा दिया गया जो अनेक स्थितियों और सच्चाइयों का उद्घाटन करने के क्रम में कहीं भी टूटता नहीं है, न ही एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक आते हुए उसकी संरचना में बिखराव आता है। यही तत्व मोचीराम कविता को विशिष्ट भाषिक संरचना बनाता है जो स्वयं में पूर्ण और स्वायत्त है। धूमिल की यह कविता भाषिक संरचना की दृष्टि से अत्यंत सफल कविता है। तो मित्रों, यह थी सुदामा पांडे धूमिल की प्रतिनिधि कविता मोचीराम। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। यदि आपने
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल बातें साहित्यिकी को। मित्रों, इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए देखते रहें बातें साहित्यिकी। धन्यवाद।